आज प्रातः परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी परिसर में स्थित शासन माता साध्वी श्री प्रमुखा कनक प्रभा जी के समाधि स्थल पर पधारे एवं शासन माता का श्रद्धा स्मरण किया। तत्पश्चात आचार्य प्रवर ने अध्यात्म साधना केंद्र परिसर का भी अवलोकन किया। शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी की पावन सानिध्य में आज शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी की स्मृति सभा के शिखर दिवस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में चतुर्विध धर्म संघ ने असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री के प्रति श्रद्धाभिव्यक्ति द्वारा भावांजलि प्रकट की। मंगल उद्बोधन में आचार्य प्रवर ने कहा, तो साध्वी प्रमुखा केरा पंथ की साध्वी प्रमुखा बनना और 50 वर्षों से ज्यादा काल तक रहना, ये पुण्याई के बिना तो संभव नहीं लग रहा है। इतने लंबे काल तक यो साध्वी प्रमुखा रह जाना तो उनकी इस माने में पुण्यवत्ता अच्छी थी कि वे 13 पंथ धर्म संघ की लगातार साध्वी प्रमुखा पद पर 50 वर्षों से अधिक काल तक रही। ये उनकी नाम कर्म कह दें गोत्र जो भी पुण्यवत्ता थी ऐसा प्रतीत होता है। और साध्वी प्रमुखा ही नहीं और आगे उनको विकास के स्थान यानी महाश्रमणी का अलंकरण मिला, महाश्रमणी का पद मिला, संघ महानिदेशिका का मिला, असाधारण साध्वी प्रमुखा शासन माता, ये पुण्यवत्ता के बिना मिलने मुश्किल लग रहे हैं। तो इस माने में ये जो नामकर्म गोत्रकर्म या दोनों का भी उनको शुभ रूप में अच्छा उदय था, योग था।